झारखंड के हजारीबाग दो फारसी शब्दों से बना है। हजार जिसका अर्थ है एक हजार और बाग जिसका अर्थ है बाग, इसलिए हजारीबाग को हजारों बागों का शहर कहा जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हजारीबाग के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे जो अतुल्य है, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। कोनार दामोदर घाटी परियोजना के पहले चरण में शामिल चार बहुउद्देशीय बांधों में से दूसरा है कोनार। यहां आपको बता दें, पहला बांध तिलैया में बराकर नदी पर बनाया गया था और 1953 में उद्घाटन किया गया था। कोनार नदी पर दूसरे बांध का उद्घाटन 1955 में किया गया था। मैथन में बराकर पर तीसरे बांध का उद्घाटन 1957 में किया गया था एवं पंचेत में दामोदर पर चौथा बांध जिसका उद्घाटन 1959 में किया गया। विष्णुगढ़ ब्लॉक में हजारीबाग से लगभग 42 किलोमीटर पूर्व में हजारीबाग जिले में स्थित कोनार में प्राकृतिक सुंदरता है और इसे एक मनोरंजक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। मेगालिथ पकरी बरवाड़ी प्रसिद्ध कोल बेल्ट बोल सकते हैं। महापाषाण स्थल जो महापाषाण के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बरका गांव में स्थित है। इस साइट में 20 से अधिक मेगालिथिक पत्थर है जो कि लोह युग में दफन महल होने का संकेत देते हैं। एक दूसरे के करीब खड़े दो मेगालिथ विषु का एक अच्छा दृश्य प्रदान करते हैं। विषु के दिनों में इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग इकट्ठा होते हैं। हजारीबाग बरका गांव रोड पर बरका गांव से ठीक पहले सड़क के बाएं ओर मेगालिथ देखे जा सकते हैं। महापाषाणों को इस प्रकार रखा गया है कि वे दो विषुओं के दौरान सूर्य के संक्रमण को देख सके। बुद्धिस्ट साइट पाकरी बरवाड़ी बरका गांव। पाकरी बरवाड़ी बौद्ध स्थल हजारीबाग बरका गांव ब्लॉक में 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पाषाण काल की लगभग 50 बौद्ध पत्थर की मूर्तियां हैं। नक्काशीदार तीर्थंकरों के साथ स्तूपों के पत्थर के अवशेष पेड़ों के एक पवित्र उपवन में एक पहाड़ी में रखे गए। इसको रोक आर्ट हजारीबाग से पूर्व की ओर 45 किलोमीटर की दूरी पर बरका गांव ब्लॉक में सती रेंज पर स्थित ब्लेज ऑफ इसको है। यह रोक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है जो मध्य ताम्र पाषाण काल की है। कला अद्भुत है, स्थल भी है, गुफाएं और प्रकृति और सब कुछ है। इसे भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण प्री हिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है। एक बड़ी गुफा कोबरा के हुड के समान होती है और इसलिए इसे कोहवरा कहा जाता है। नतुनगवा रॉक आर्ट नतुनगवा पहाड़ रॉक कला हजारीबाग के दक्षिण पश्चिम केरेदारी ब्लॉक के मोहदी रेंज में 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सफेद रंग की छड़ी उंगलियों और मंडलों के साथ लंबी गैलरी में ग्रे बलुआ पत्थर की चट्टान पर लाल हेमेटाइट रंग में चित्रित किया गया है और माना जाता है कि यह हाल ही के मूल का है। नतुनगवा दो में तीन हाथ के मोहरे हैं जो चित्रित और रेखाओं से भरी हुई है। शेखा बदाशी हजारीबाग शेखा बदाशी बौद्ध मंदिर हजारीबाग से 10 किलोमीटर पूर्व में बगोदर रोड पर सिल्वर रेंज के करीब स्थित है। यह स्थल तारा सूर्य शिव पार्वती और मन्नत स्तूपों की प्रतिमा के साथ पाल सेना काल की है। टेंपल ऑफ इच्छक इच्छक के मंदिर हजारीबाग 17 किलोमीटर
उत्तर में स्थित है। यह टेंपल टाउन 1772 से राजाओं की थी। राजा तेज सिंह के संरक्षण में 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिनमें से प्रसिद्ध बुद्धिया मंदिर लोहड़ी है। बादाम फोर्ट, बादाम किला बादाम नदी के तट पर हजारीबाग के बरका गांव ब्लॉक में दक्षिण में 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पद्मा फोर्ट, हजारीबाग से 27 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध पद्म किला है, जिसमें रानी पोखर और शिवगढ़ गेट इसके मुख्य आकर्षण है। इसमें रामगढ़ के राजा के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक फोटो गैलरी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग शहर से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सुंदर पक्षियों के लिए स्वर्ग होने के अलावा हाथी, सांभर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, रेटल, भेड़िए, अजगर और गौर को आश्रय देने का दावा करता है। कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग मील है, जिसमें घने जंगल है जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देते हैं। आगंतुक इस जगह की सुंदरता और विविधता से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। कोवर एंड सोहराई आर्ट, कोवर मुख्यतः विवाह कला है। कोवर कक्ष यानी ब्राइडल रूम की दीवारों को स्थानीय संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाते हुए गहराई से चित्रित किया गया है। सोहराई सर्दियों की फसल के दौरान की जाने वाले एक अन्य प्रकार की गांव की पेंटिंग है, जिसमें चित्रों को कपड़े के फाहे या स्थानीय शाल के जंगल के पेड़ की चबाई हुई टहनियों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है, जिसका उपयोग ग्रामीणों द्वारा अपने दांत ब्रश करने के लिए किया जाता है। बस द टाउन के माध्यम से चलने से एक आगंतुक को टाउन के चारों ओर कई दीवारों पर इन चित्रों की एक झलक मिल जाएगी। हजारीबाग को इसकी आबादी द्वारा कोहर और सोहराई चित्रों के आयात को प्रदर्शित करने वाली टाउन ऑफ स्पीकिंग वॉल कहा जाता है। नरसिंह स्थान, हजारीबाग से 6 किलोमीटर दूर खपरियामा गांव में बरका गांव रोड पर स्थित यह धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान नरसिंह की मूर्ति की पूजा की जाती है और गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित किया जाता है। अन्य मंदिर भी है, जैसे कि दशावतार, सूर्यदेव, मां काली और हनुमान जी। इस स्थान पर प्रतिदिन लगभग 200 भक्त आते हैं। यहाँ साल भर कई धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। पंच मंदिर, हजारीबाग के प्रमुख आकर्षणों में से एक पंच मंदिर है। मंदिर का शिखर शहर के विभिन्न हिस्सों से दिखाई देता है। यह प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर बिना सीमेंट के बनाया गया है। मंदिर को चूना, शकी, दाल और गुड़ से बनाया गया है। मंदिर की नींव इतनी मजबूत है कि 1930 के भूकंप में इस मंदिर को छोड़कर शहर की लगभग सभी इमारतें नष्ट हो गई थी, जो आज तक खड़ा है। भव्य वास्तुकला के साथ यह हजारीबाग का एक शानदार चमत्कार है। सिल्वर हिल, सिल्वर पहाड़ी हजारीबाग से लगभग 5 मील दूर हजारीबाग बगोदर मार्ग पर स्थित है। हरे भरे पहाड़ी स्टैंड में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की त्रिमूर्ति का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सिल्वर में बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने वाले लोग आते हैं। बरसो पानी, बरसो पानी बरका गांव हिंदेगिरी रोड पर स्थित जिगजोर बस्ती में लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला मुख्यालय लगभग 50 किलोमीटर है, जबकि बरका गांव ब्लॉक इस साइड से 17 किलोमीटर दूर है, जो जंगल के अंदर छिपा हुआ है।
हरे भरे जंगल में बसा यह स्थान लोकप्रिय खोटा अर्ध निर्मित गुफा है, जिसके साथ एक मिथक जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई ताली बजाता है या बरसों पानी चिल्लाता है तो गुफा में बूंदा बूंदी होने लगती है। राजदरवाह वन्य जीव अभयारण्य के केंद्र में एक खूबसूरत जगह है। घने जंगल में स्थित है यह हजारीबाग बरही रोड से 6 मील दूर है। अच्छे आवास की पेशकश करने वाला वन फॉरेस्ट बंगलो स्वस्थ रहने के लिए सहायक है। एक वाटर टावर साइट की सुंदरता में इजाफा करती है। यह एक आदर्श पिकनिक स्पॉट है। कैनरी हिल, यह हजारीबाग शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी की चोटी पर एक डाक बंगला है। इस पहाड़ी से सटी एक और पहाड़ी है। ऊपर से हजारीबाग का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है और किसी भी मौसम में यहाँ जाया जा सकता है। पहाड़ी के चारों ओर जंगल है और रात में संयोग से जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं। हजारीबाग झील एंड स्वर्ण जयंती पार्क। हजारीबाग की सुंदरता शहर के बीचों बीच स्थित झीलों के समूह से काफी हद तक उजागर होती है। सेंट्रल झील सबसे बड़ी में नौका विहार की सुविधा है। सेंट्रल झील के ठीक सामने विशाल स्वर्ण जयंती पार्क है, जिसमें एक कैफेटेरिया भी है जो आगंतुकों को शानदार भोजन प्रदान करता है। झील हजारीबाग का दिल है, नारा शहर के झीलों के महत्व को बताता है। सूरज कुंड, हजारीबाग से लगभग 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर स्थित सूरज कुंड एक ऐसा स्थान है जो गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। हजारीबाग के बरखत्ता ब्लॉक में पड़ने वाला सूरज कुंड पानी के 169 से 190 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर के साथ सूरज कुंड में देश का सबसे गर्म पानी का झरना होने का दावा किया जाता है। सूरज कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड और सीता कुंड नाम से 5 कुंड है। माना जाता है कि उच्च सल्फर सामग्री के कारण पानी का चिकित्सीय प्रभाव होता है। शिवगढ़ टेम्पल, शिवगढ़ मंदिर हजारीबाग से 40 किलोमीटर दक्षिण में बरका गांव ब्लॉक में कांदतारी गांव में महोदी पहाड़ी में स्थित है। यह स्थल बरका गांव के माध्यम से पहुंचा जा और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध काल से संबंधित रॉक कला गुफाओं के लिए जाना जाता है। उम्मीद है आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे की हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।